हेलो फ्रेंड, आज मैं 36 ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। ये है मेन फैब्रिक और यह है लाइलिन का कपड़ा। इसका टोटल लेंथ है 13 इंच, शोल्डर है 13 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल है 5.75 इंच, चेस्ट का फोर्थ पार्ट 8.75 इंच और उसमें 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट का फोर्थ पार्ट 7.75 इंच प्लस 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन। अब इसको मैं आधा करके एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, इसको 4 इंच ऊपर में और एक लाइन देके आधा आधा इंच बराबर 2 लाइन खींच लूँगी। ये डिज़ाइन मैं पेपर पेस्टिंग में करूँगी। नेक के चौड़ाई होगा 3 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंथ है 11 इंच। यहाँ अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करना है। एक इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर और एक लाइन ड्रॉ करना है। और इसके ऊपर 1.5 इंच चौड़ाई और एक लाइन ड्रॉ करना है। अब इसको काट लेना है। इसको मैं लाइलिन के कपड़ों में आयरन से प्रेस करके पेस्टिंग कर लिया है और ये वाला भी कटिंग कर लेना है। अब मैं लाइलिन को मेन कपड़े से चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। चारों तरफ से स्टिच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है रहेगा उसको मैं उसको कटिंग कर लेना है। अब एक लाइन मेन फैब्रिक में ड्रॉ करके पेपर नेक को बीच बराबर रख कर पिन से चारों तरफ से सेट कर लेना है। अब इसको पेपर पेस्टिंग के एकदम बराबर सिलाई कर लेना है। आधा इंच मार्जिन देके इसको कट कर लेना है। अब छोटा छोटा नॉच चारों तरफ देना है और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग का सिलाई कर लेना है। अब ये दोनों तरफ के डार्ट में दे दूंगी। और इसके इसको नीचे से और ऊपर से लॉक कर दूंगी, लॉक स्टिच दे दूंगी। अब कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लूंगी। इसके लिए 1.5 इंच चौड़ाई कपड़ा कटिंग कर लिए कर लेना है। पहले सीधी तरफ से स्टिच कर लेना है
फिर खोल के ऊपर में स्टॉप स्टिच देना है। और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई कर लेना है। अब 2 इंच चौड़ाई एक स्ट्रिप कट कर लेना है और 1/2 इंच गैप देके एक स्टिच कर लेना है। अब नीडल के हेल्प से इस कपड़े को सीधा कर लेना है। टू एंड हाफ इंच बराबर स्ट्रिप कट कर लेना है। पेपर पेस्टिंग में जो 1.5 इंच चौड़ाई जो स्ट्रिप पहले से काट कर रखे हुए है उसको न्यूज़पेपर में ट्रेस कर लेना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख कर कटिंग कर लेना है। और इसके ऊपर ये स्ट्रिप 1/2 इंच बराबर गैप देके पिन से सेट कर के दोनों तरफ सिलाई कर लेना है। नीचे के तरफ भी सिलाई कर लेना है। अब जो पेपर पेस्टिंग इसके ऊपर रख के दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर लेना है इसके बराबर। और एक तिरछी पट्टी काट लेना है और इसे इसके ऊपर के तरफ इसको फिनिशिंग कर लेना है। फिर इसको घुमा के इसके ऊपर एक टॉप सिलाई देके इसको फिनिश कर लेना है। इसके ऊपर एक गोल्डन कलर का लेस लगा लेना है। इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलाई कर लेना है। पहले ऊपर सिलाई कर लेना है, फिर इसके नीचे के हिस्से में इस कॉर्नर में भी स्टिच कर लेना है। इसके बैक नेक के अंदर रख के पिन से चारों तरफ से ठीक से सेट कर लेना है। और फिर इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ पे इसको लॉक कर लेना ज़रूरी है। पूरे गले पे भी मैं गोल्डन कलर का लेस लगा लूँगी
पहले एक तरफ का सिलाई कर लूँगी और फिर दूसरे तरफ का भी सिलाई कर लूँगी। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं दूसरी तरफ भी सिलाई कर दूंगी। अब कमर में भी मैं गोल्डन कलर का लेस लगा लूंगी। ये है इसका फाइनल लुक्स। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।